बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई से सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली शहर की, जहां की मानपाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच अधिकारी सुनील तारमले को गुप्त सूचना मिली थी कि दो लोग डोंबिवली पूर्व में स्थित लोढ़ा पलावा सिटी में ड्रग्स बेचने आने वाले हैं, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया, जो पालो सिटी के मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टाफ के साथ मिलकर जाल बिछाकर दो लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 58 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरशद करार खान, उम्र 28 है, जो डोंबिवली का रहने वाला है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम साबुद्दीन मोइनुद्दीन सैयद है, जो राजस्थान के अजमेर का निवासी है। वहीं इस मामले में थाने शहर के अपर पुलिस आयुक्त सचिन गुंजाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से 58 ग्राम एमडी ड्रग्स के अलावा दो मोबाइल फोन, एक होंडा बाइक और करीब 2,23,000 रुपए के कैश बरामद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में से अरशद करार खान के खिलाफ मुमरा और नवी मुंबई पुलिस स्टेशन में पहले से ही ड्रग्स तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि इनके साथ इस गोरख धंधे में और कितने लोग शामिल हैं और इनको ड्रग्स कौन सप्लाई करता है। थोड़ा पलावा फेज 2 या ठिकाणी मनपाड़ा पुलिस स्टेशन चे डीबीचे एपीआई तारमळे आणि त्यांची टीम यांना माहिती मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी संशयित दोन इसमांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या झडतीमध्ये जवळजवळ 58 ग्रॅम एमडी मेथाडॉन हा अत्यंत घातक असा अंमली पदार्थ जप्त करण्यात मानपाडा पोलिसांना यश आलेले आहे। तो जवळजवळ 2,32,000 आहे आणि त्यांच्याकडे एक मोटरसायकल, दोन मोबाईल आणि रोख कॅश 2,23,000 असा एकूण 5,30,000 मुद्देमाल या टीमनं जप्त केलेला आहे। जे आरोपी ताब्यात घेतले पैकी अरशद करार खान हा जो आहे हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे, त्याच्यावर यापूर्वी मुमरा आणि एपीएमसी पोलीस स्टेशनला अशाच प्रकारचे दोन गुन्हे दाखल आहेत आणि त्याचा जो जोडीदार आहे शादाबुद्दीन सय्यद हा अजमेर राजस्थानचा मूळचा राहणारा आहे, तो नुकताच या भागात येऊन त्याला जॉईन झालेला आहे। त्यांची दोघांची आज जवळजवळ 6 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड घेतलेली आहे। त्या चौकशीमध्ये या 2 नंबरच्या आरोपीकडून शादाबुद्दीन सय्यदकडून आणखीन बरीच माहिती मिळण्याची शक्यता आहे। त्याच्या रेकॉर्डबद्दल, त्याच्या राजस्थानमधून इकडे येण्याच्या प्रवासाबद्दल, त्याचबरोबर या अंमली पदार्थाच्या रॅकेटबद्दल मानपाडा पोलीस स्टेशनचे सिनियर पी आय होनमाने यांच्या मार्गदर्शनात एपीआय तारमळे आणि त्यांची टीम या गुन्ह्याचा सखोल तपास करत आहे।